अरे सर जी, आजकल फिल्में कहाँ बनती हैं? फिल्में तो आपके जमाने में बनती थी, लाइक मदर इंडिया। क्या कहा? मदर मदर मगर मगर कहाँ है मगर मच्छ? मदर इंडिया मदर इंडिया। आजकल इंडिया में मगरमच्छ बहुत हो गए हैं। बाप। मदर इंडिया मदर इंडिया। माधोराव सिंधिया। अबे टकलू, अपने सिर में तेल डालने के बजाय अपने कान में डालो। हाँ। बेचारा ऊंचा सुनता है। राहुल। वाओ। राहुल, तुमने विक्रम को देखा है? हाँ, आज वो क्या हैंडसम लग रहा था। मजाक बंद करो राहुल। राहुल, मम्मी की चिट्ठी आई है, लिखा है मुझे और विक्रम को फौरन आने के लिए। लेकिन विक्रम तो प्रिया के साथ गायनोकोलॉजिस्ट के पास गया है। ओह नो, अब क्या करूं, मुझे अकेले जाना पड़ेगा और पता नहीं वहां पे क्या हुआ होगा। घबराओ मत संजना, कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारी नानी मरने नहीं वाली, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? ओह थैंक्स राहुल, चलो जल्दी करो, कम ऑन। अरे सुनो, तुम लोगों ने मदर इंडिया फिल्म देखी है? अरे क्या फिल्म थी। मत रो बेटी, मत रो। चुप हो कि झापड़ मारूं। मम्मी मम्मी। संजना, विक्रम किधर है? वो तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास है। अरे उसको वहां जाने की क्या जरूरत पड़ी? नानी जी, वो प्रिया को लेके गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया है, उस चुड़ैल के साथ। अरे मत रो बुढ़िया रानी। अरे बुढ़िया रानी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो मम्मी, चिड़िया का नाम बिल्कुल मत लेना, मुझे इस दुनिया की सारी चिड़िया से बहुत नफरत है। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या? अरे लिखा तो था ना सब तेरे को। आपने तो सिर्फ ये लिखा था कि बुरी खबर है, जल्दी से आ जाओ। तो पोस्ट कार्ड में पूरी महाभारत लिख देती। आप कुछ बताएंगी भी कि सिर्फ आंसू ही बहाते रहेंगे? अरे सुबह से आंसू बह रही है, खिड़की में खड़ी आंसू बह रही थी तो नीचे लोगों को लगा कि बारिश आ रही है। थैंक यू फॉर द वेदर रिपोर्ट नानी, अब आगे बताइए। ये तुम्हारे पापा के बारे में। क्या हुआ पापा को? अरे कुछ नहीं हुआ, जहाँ है वहाँ ऐश कर रहा। कोई मुझे कुछ बताएगा भी? अच्छा तू सुनो, कुछ दिन पहले मैं किचन में बहुत अच्छी डिश बना रही थी, टीवी पे कुकरी प्रोग्राम आ रहा था। मम्मी क्या नाम था उस प्रोग्राम का? महाभारत। मम्मी मुझे डिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ये बताइए कि पापा ने किया क्या। नाम भी मत लेना अपने पापा का। मैंने पापा का नाम कहाँ लिया, सिर्फ पापा कहा ना, अब जल्दी बताइए। अरे ये कोई हॉकी की कॉमेडी थोड़ी ना कि एक सांस में सब कुछ बता दूं। खैर सुनो, किचन में प्रेशर कुकर की सीटी बज रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ड्रॉइंग रूम में क्या हो रहा था। इतने में प्रेशर कुकर की सीटी बंद हो गई क्योंकि गैस खत्म हो गई और पूरे घर में खामोशी छा गई। बिल्कुल उस तरह जिस तरह तूफान के आने से पहले खामोशी छा जाती है। ए सलीम जावेद की बेटी, आगे बता ना। अचानक मुझे तुम्हारे पापा की आवाज सुनाई दी, ऐसे लग रहा था कि वे ड्राइंग रूम में किससे बात कर रहे थे। मैं दबे पांव ड्राइंग रूम में गई, पता है मैंने वहां क्या देखा? क्या? तुम्हारे पापा झूम झूम के किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे थे। अगर मैंने तेरा ढोल नहीं बजा दिया ना तो मेरा नाम भी कुसुम मल्होत्रा नहीं। Disgusting old man. इसका ढोल बजे ना बजे, लेकिन मेरा ढोल बजने वाला है। तुम्हारे पापा को किसी से प्यार हो गया है। कुछ लोग कितने लकी होते हैं ना, मतलब कुछ लोग कितने अनलकी होते हैं ना। मम्मी आपको गलत फहमी हुई है, हो सकता है जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ हो ही नहीं। अरे तेरे पापा की उम्र में ऐसा होता है। मेरा शक कभी गलत नहीं हुआ, तुम लोग के पापा बदल गए। मैं तो तुम्हारी नानी को लेकर तुम्हारी मासी के घर जा रही थी, लेकिन उनको यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जाती। मामी आप घबराइए नहीं, I'm sure कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ है ही नहीं। समझती क्यों नहीं है तू? तेरे पापा सफेद शर्ट और ग्रे पैंट पहन के ऑफिस जाते थे और आप Hello, is it me you're looking for? ऐसे लगता है कि फूलों का गुलदस्ता चला आ रहा है। संजना, राहुल तुम कब आए? बस
अभी कुछ ही देर पहले। अचानक कोई खास बात? वो आपका हालचाल पूछने आ गए थे। हाल तो इतना बढ़िया है कि इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। Thank you. Not for you, mother-in-law. Sorry, wrong number. This is for my darling wife. Thank you. Anyway, तुम लोग आराम से बातें करो, मैं जरा फ्रेश अप होकर आता हूँ। अरे इससे ज्यादा कितना फ्रेश होगा? Mother-in-law, refresh होकर आता हूँ। गलत नहीं थी ना? मम्मी, अगर कोई इंसान खुश है तो उसका ये तो मतलब नहीं कि उसे प्यार हो गया है। अरे मैंने तेरे पापा को इतना खुश तब देखा था जब वो कॉलेज में चोरी छुपी मुझे मिलने आते थे। हाँ, तू उसे चोरी छुपे मिलने जाती थी और वो बात तू मुझे आज कह रही है? अबे वो मम्मी, आप और नानी आराम से मासी के घर जाओ। पापा को किसी से प्यार हुआ है या नहीं इसका पता मैं लगाती हूँ। लेकिन मैं हूँ ना मम्मी। हाँ तो मैंने कब कहा तू नहीं है? लेकिन कुछ नहीं। देखो मम्मी, अगर पापा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो वो तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पे नहीं है। हाँ ठीक कह रही हो, हम लोग जाते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अरे एक बार तू जा तो सही, अपना ख्याल ही ख्याल रखूंगा। चिंता मत करो डार्लिंग, मुझे भूलिएगा मत। तू टैक्सी में बैठ तो सही, तुझे फिर कभी याद नहीं करूंगा। नहीं भूलूंगा डार्लिंग, हाउ कैन आई फॉरगेट यू लव। मम्मी जल्दी चलिए, ट्रेन मिस हो जाएगी। हाँ अच्छा बाय 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 बाय। हेलो, जल्दी से निकलो तुम जुल्फें बिखेरे, जल्दी से निकलो तुम जुल्फें बिखेरे, घर पे खड़ा है दीवाना तेरे। हाय सलमान खान। हेलो अंकल। हाय मैन। एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मैंने सुना दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जानते हो जब तुम्हारी आंटी घर से चली जाती है ना तो घर कितना सूना सूना हो जाता है, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छा जाता है। और ऐसे में मुझे चिड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तुम्हें चिड़िया की आवाज सुनाई देती है? मेरी किस्मत में चिड़िया कहाँ, मेरी किस्मत में तो सिर्फ कौवे हैं। दैट्स रियली सैड मैन। आदमी जब तक जिंदा रहे उसे चुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहिए। राइट अंकल, पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पर चुस्ती की जरूरत पड़ जाए। I'm sorry. तुम विक्रम और संजना की दोस्त हो। मैं चाहता हूं कि उन्हें किसी और से पता चले, उससे पहले तुम उन्हें बता दो। औरों के मुंह से वो सुन चुके हैं, बस आपके मुंह से सुनना बाकी है। मुझे जिससे प्यार हो गया है उसका नाम है सोनू। सोनू निगम? अरे नहीं यार, तो सोनू वालिया। आदमी को जब प्यार होता है ना तो वो सरनेम पूछना ही भूल जाता है। वाह अंकल, उम्र 55 की और दिल बचपन का। अंकल कितने सालों से ये बात चल रही है? 4 सालों से। अरे जब विक्रम 4 साल का था ना और मैं उसे दशहरा के मैदान में रावण जलता हुआ दिखाने ले जाता था, तब से। अरे नहीं यार, सोनू से मिले मुझे सिर्फ 6 महीने हुए। तो आप दशहरे के मैदान की बात क्या कर रहे थे? ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि मैंने अपने बेटे विक्रम और संजना के लिए क्या कुछ नहीं किया। इस बात का भी एहसास हो जाए कि मैं इतना बुरा आदमी नहीं जितना कि सब लोग समझते हैं, स्पेशली दैट मदर इन लॉ ऑफ माइन। राहुल, प्यार बड़ी अजीब चीज होती है ना? ये क्या मालूम। हाँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब अदरक का स्वाद नहीं जानते? अरे बंदर, मैं तेरी बात कर रहा हूं। तेरे अंकल को प्यार हो गया है। मेरे बरेली वाले अंकल को? नहीं पागल, तेरे इस अंकल को प्यार हो गया है। कांग्रेचुलेशंस, मैं अभी मिठाई बांट दिया। अरे किसी को मत बताना। जानते हैं मुझे किसी और औरत से प्यार हो गया है। लव ट्राइंगल, पति पत्नी और वो, इन दोनों औरतों का मैं इकलौता प्यार हूं। तो क्या मैं ये समझूं कि वो दूसरी औरत विक्रम की मम्मी है? ऑफ कोर्स। लेकिन राहुल,
तुझे तेरी आंटी की कसम, अगर तूने ये बात आंटी को बताई तो। आपने आंटी की कसम दिलाकर आंटी की वाट लगाई है। ये कॉल तेरा नहीं, मेरा कॉल है। सॉरी। कीप क्वाइट। तुम्हारे डैडी का पिछले 6 महीने से चक्कर चल रहा है इस चिड़िया के साथ। मैं इस चिड़िया की चोंच, मेरा मतलब है इस लड़की का मुंह तोड़ दूँगी। हम क्या करें राहुल? अब जो भी करना है तुम्हारे डैडी को ही करना है। कुछ करो राहुल। हेलो संजना बेटा। हेलो मम्मी। बेटा उस दूसरी औरत के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि दूसरी वो नहीं, दूसरी आप हो गई हैं। अरे तो खामोश क्यों हो गई है, क्या बात है बेटा? मम्मी वो अभी तक कुछ पता नहीं चला। देख बेटा मेरी मांग को खून भरी मांग मत बनने देना, मेरी मांग की लाज रखना। आपकी क्या मांग है मम्मी? मैं उस मांग की बात नहीं कर रही हूँ बेवकूफ, मैं अपने सुहाग की बात कर रही हूँ। मम्मी मैं सब संभालूंगी, सब सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। देख बेटा देख, मैं तेरे सहारे उन्हें वहां अकेला छोड़ के आई हूं। मम्मी मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी पापा। यस संजना, अब ये है मेरी, सिर्फ मेरी सोनू, और ये संजना है। हेलो हाय। और ये लड़का जो यहाँ खड़ा है मेरे बेटे विक्रम और संजना का दोस्त राहुल। हाय हैंसम। यही बुड्ढा मिला था क्या, मैंने दिखाई दिया? ये हैंसम जरूर है लेकिन मुझसे थोड़ा कम। अगर मैं आप जैसा हैंसम होता तो मुझे भी ऐसी एक सीढ़ियाँ मिल जाती। डार्लिंग चलें। कहाँ? ये तुमसे नहीं मुझसे कह रही है। डार्लिंग चलो, शो के लिए देरी हो रही है। राहुल तुम भी चलो ना हमारे साथ। तो चलो ना, चलो ना। अरे नहीं ये तो बच्चा है, ये एडल्ट फिल्म में नहीं देखता, फूलों के साथ खेलेगा। कम लेट्स गो। मेरी मां को खून भरी मांग मत बनने देना। मेरी माँ की लाज रखना, मेरी माँ की लाज रखना, मेरी माँ की लाज रखना। पापा! ये तुम धर्मेंद्र की तरह क्या चिल्ला रही हो? क्योंकि मेरी मम्मी की जिंदगी के अमरीश पुरी आप हैं। इधर आइए। क्या है? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी मम्मी के इस पवित्र से घर में कोई गंदी सी औरत आए। गंदी कहाँ बेटे, वो दिन में 2 बार नहाती है। पापा आपको फैसला करना पड़ेगा, या तो इस घर में वो रहेगी या मम्मी रहेगी, या आप नहीं रहेंगे, और अगर आप दोनों रहेंगे तो विक्रम और मैं नहीं रहेंगे। So many choices. बेटे मैं तो इस सिंगल चॉइस के साथ बहुत खुश हूँ। Disgusting. मैं मम्मी को फोन लगाती हूँ। हाँ हाँ कर दो। अरे नहीं बेटे प्लीज, मैं तुम्हारे आगे विनती करता हूँ ऐसा मत करना, सिर्फ एक दिन की बात है, कल सुबह वो दिल्ली चली जाएगी, उसके बाद मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगा। नहीं ठीक है बाबा, मैं उसे डेफिनेटली भूल जाऊंगा। ओके लेकिन ये कल सुबह ही यहाँ से चली जाएगी और आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। ओके ओके और जब तक वो यहाँ रहेगी वो आपसे नहीं मिलेगी, सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रहेगी। What? सर्वेंट क्वार्टर्स? लेकिन वहाँ तो इतने मोटे मोटे कॉकरोचेस हैं। तो वो क्या कॉकरोचेस से कोई कम है? और मैं भी सोनू के साथ सर्वेंट क्वार्टर्स में रहूंगा। अरे यार ये देखने के लिए कि वो कोई बदमाशी ना करे। अच्छा ठीक है पापा, मैं आपको कमरे में लॉक करती हूं, चलिए। अरे बेटे सोनू, माय जान, माय स्वीटहार्ट, मैं सोने जा रहा हूँ। डार्लिंग मैं भी सोने जा रही हूँ, सारी रात मैं तुम्हारे ही सपने देखूंगा। माय बटरफ्लाई,
मैं भी सारी रात तुम्हारे ही सपने देखूंगी। मैं भी सारी रात तुम्हारे सपने देखूंगा। डार्लिंग, ये लो एक चिड़िया वाली किस्सी। ओह माय बटरफ्लाई, ये लो एक पूछी पूछी किस्सी। अब आप लोग ये टीनेज कपल की तरह बिहेव करना बंद कीजिए और जाइए अपने अपने कमरों में। गुड नाइट डार्लिंग, आई लव यू, बाय बाय, गुड नाइट। मैं सर्वेंट रूम चेक करके आता हूँ। शट अप, इधर आओ, इधर बैठो तुम। मम्मी आहिस्ते आहिस्ते। हाँ हाँ, जोर। गिर मत जाना। बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते। जी, पता ना चले। आहिस्ते आहिस्ते पीछे आइए। अड्डा। मम्मी। तुम्हारे पापा को नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन मम्मी आप तो मासी के यहाँ थी ना? अरे तुम्हारी नानी के कहने पे मैंने अपना इरादा ही बदल दिया। ओह क्यों बता? ये फूल मैं तुम्हारे पापा के लिए लाई हूँ। So sweet मम्मी। और जानती है वो तुम्हारे लिए क्या लाई है? क्या? ये पापा का अफेयर छुपाने के लिए। वो सामने वाली बिमला ने हमें सब कुछ बता दिया था कि हमारे जाते ही वो चुड़ैल घर में घुस गई। किधर है, किधर है वो? मैं कहाँ? कहाँ है वो चुड़ैल? बता। जा बेटी जा, उसे कान खींच के बाहर ला और घर में से बाहर निकाल दे। जा, गो, गो बेटी, अटैक। टैन, बाहर निकल, बाहर निकल उस कमरे में से। ओके मम्मी, अच्छा नानी अब हम चलते हैं। पेनी का भी फोन आ चुका है। अरे ये क्या, पापा का इंतजार नहीं करोगे? हाँ अभी ऑफिस से आते होंगे। गुड इवनिंग। ये लो, हमारा पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वापस आ गया। अरे रहने दो मम्मी, मुझे मेरा पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बहुत पसंद है। वैसे आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू डार्लिंग। वैसे पापा, आपके इश्क का बुखार तो उतर गया, लेकिन आपने जो इतने सारे कलरफुल शर्ट्स खरीदे थे उनका क्या किया? बेटे वो तो मैंने सब अंदर कर दिए। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ कॉल। हेलो।